अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना चाबी के बाइक भी स्टार्ट हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, चाहे आपके पास मोटरसाइकिल है या फिर स्कूटर है और आप ये चाहते हो कि आपकी गाड़ी की चोरी नहीं हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के टाइम पे ये हो रहा है कि आपके एक छोटी सी गलती का फ़ायदा जितने भी चोर हैं वो उठा रहे हैं और वो बिना चाबी के इन गाड़ियों को स्टार्ट करके इन्हें चोरी कर ले रहे हैं। और यही मैं आपको आगे इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कूटर के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पे देखो कि जो हमारा हैंडल है इस स्कूटर का वो लॉक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हैंडल को अनलॉक कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए आप हैंडल अनलॉक हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैं आपको ये बताता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इग्निशन स्विच है इसे ऑन कर देता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि जो लॉक सेट है वो ख़राब है या फिर जो की है वो ख़राब है, तो क्या होता है कि जब इग्निशन स्विच ऑन है उस टाइम पर चाबी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जब ख़राब हो तो बाहर निकल जाता, जैसे कि मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। अब प्रॉब्लम ये आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि चाबी नहीं लगा हुआ है, इग्निशन स्विच ऑन है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर स्टार्ट हो गया है बिना चाबी के, तो कई बार क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में मिस्टेक कर रहे हैं लॉक सेट ख़राब होने का, वैसे क्या कर रहे हैं वो कि वो चाबी को ऑन में ही छोड़ दे रहे हैं। अब मैं आपको सिंपली दो सिचुएशन बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक बार क्या हो सकता है, पॉसिबल ये है कि कई बार क्या होता है कि चाबी जो हमारा वो निकल नहीं पाता है, तो हम क्या करते हैं कि बार बार चाबी को इस तरह से दाहिना बायां घुमाते हैं और कई बार क्या होता है गलती से इग्निशन स्विच ऑन होने वाले पोजिशन में हम चाबी को बाहर निकाल लेते हैं, अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं, और फिर चोर इसका फायदा उठा रहे हैं और वो इस तरह से वो इसे स्टार्ट कर ले रहे हैं। एक और सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं जाने वाले होते हैं, अपना चाबी को ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ याद आ जाए या फिर हमें हमारा जाना कैंसिल हो जाए तो हम उसी वक्त उसे उस तरह से निकाल लेते हैं जल्दबाजी में और चले जाते हैं, और इस वजह से भी जो चोर है वो इसका फ़ायदा उठा के इन गाड़ियों को चोरी कर ले रहे हैं बिना चाबी के। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करें। फ्रेंड्स, ये चाबी का प्रॉब्लम सिर्फ स्कूटर नहीं, बाइक के साथ भी आता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ये जो दोनों चाबी है ये इस एवेंजर बाइक की है। अब ये जो चाबी है मेरा, ये पुराना चाबी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ, ये मैंने इग्निशन स्विच ऑन कर लिया। मैं आपको यहाँ पर शो भी करता हूँ कि देखिएगा आप, ये ऑन हो चुका है। ठीक है, अब क्या है कि चूँकि चाबी पुराना हो चुका है, ट्रेड्स मार्क खा चुका है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। देखिए निकल गया, ये निकलना नहीं चाहिए लेकिन ये निकल गया आसानी के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना चाबी के बाइक भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देखा बिना चाबी का बाइक स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो चाबी जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूं, ये बिल्कुल नया चाबी है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसे लगा के, तो मैं थोड़ा सा डाल लेता हूं अंदर। ठीक है, ये अंदर चला गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने ऑन कर लिया। अब आप देख सकते हो कि ये बाहर नहीं निकल रहा है। मैं कितना भी कोशिश करूं ये बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि ये नया है, इसका ट्रेड सही है और ये इसके साथ सही से फिट हो जा रहा है, तो ये होना भी चाहिए। तो आप भी गौर करें कि अगर आपको दो चाबी दी गई है तो आप नए चाबी को यूज़ करें, पुराने चाबी को यूज़ नहीं करें। फ्रेंड्स, जब तक आप अपने स्कूटर का जो लॉक सेट उसे चेंज नहीं कराए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो लॉक देता है शटर लॉक, तो आप इसे ही यूज़ करें और इसे लॉक करके रखें, ये भी बहुत हद तक सेफ हो जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो चोर बहुत सारे ट्रिक्स अपनाते हैं, जो मास्टर किए उसे भी रखते हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उसे हमेशा हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटर का जो हमारा लॉक का सेट है वो ख़राब है या फिर की ख़राब है, तो आप उसे ज़रूर से चेंज कर ले। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।